एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संजना और आप देख रहे हो इंडियन ग्लैमर। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपके हेयर्स क्यों वाइट गिरते हैं और इसके ऊपर क्या क्या इलाज हो सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। व्हाइट हेयर्स की प्रॉब्लम बहुत से लोगों को है, तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है ये वाली वीडियो, तो एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन कॉल पे क्लिक करो, ताकि हमें बहुत जल्दी 4 लाख की फैमिली कंप्लीट करनी है। तो जाओ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना और ढेर सारे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे ग्रे हेयर्स क्यों होते हैं। देखो, सबसे पहले तो यही है कि है ना, ये बहुत ही ज्यादा जेनेटिक भी होता है, क्योंकि अगर आपके खानदान से खानदान आपका चलते आ रहा है, आपके दादी के व्हाइट हेयर्स बहुत जल्दी हो गए थे, आपके मम्मी के भी व्हाइट हेयर्स जल्दी हो गए, या फिर पापा के व्हाइट हेयर्स जल्दी हो गए थे टीनेज में ही, व्हाइट हेयर्स को हो जाना ये जेनेटिक भी हो सकता है। तो आपको ये खानदान की तरफ से भी मिल रहा होगा व्हाइट हेयर्स, क्योंकि ये बहुत सारे स्टडीज में देखा गया है कि व्हाइट हेयर्स अगर ज्यादातर टीनेज में अगर होते हैं तो वो खास तौर पे जेनेटिक भी हो। सेकेंड है स्मोकिंग करना, यानी कि अगर कोई लड़का है, बहुत से लड़के गर्ल्स बहुत से लोगों को स्मोकिंग करने की भी आदत होती है, ज्यादातर लड़कों को ही होती है, तो उसकी वजह से भी आपको व्हाइट हेयर्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बॉयज एंड गर्ल्स आपको मैं बता देती हूँ, अगर आपको स्मोकिंग की आदत है, बहुत सारे ऐसे रहते हैं गर्ल्स, सबको ही नहीं बोल रही हूँ मैं, हर लड़के को और हर लड़की को नहीं बोल रही हूँ मैं, जो लोग स्मोक करते हैं कोई भी हो, फिर जो लोग अगर स्मोक करते हैं और उनको व्हाइट हेयर्स की प्रॉब्लम है और अगर वो उन्हें सॉल्व करना चाहते हैं, तो उनको मैं एक ही बोलूंगी कि अगर आप स्मोक कर रहे हो ना तो स्मोक से जरा दूर ही रहा करो, क्योंकि उससे आपकी हेल्थ भी खराब होती है और आपके हेयर भी खराब होते हैं। थर्ड है स्ट्रेस। देखो, स्ट्रेस किसको नहीं है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक हर किसी को स्ट्रेस है, हर किसी के लाइफ में स्ट्रेस बिना जिंदगी है ही नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना कि इस स्ट्रेस को ना कुछ ज्यादा ही अपने बॉडी पे हावी होने देते हैं। बहुत से लोग बहुत, हर किसी का मूड अलग है, हर किसी की बॉडी टाइप अलग है, हर किसी का सोचने का तरीका भी अलग है, तो बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि यार अगर मतलब उनके ऊपर कोई स्ट्रेस है तो वो उनको ज्यादा हावी नहीं होने देते अपने ऊपर। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना कि उनके साथ अगर छोटी सी चीज भी अगर घट जाती है ना तो वो पूरा पूरा टाइम, पूरा पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं, बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन जाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। गाइज नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। लाइफ सबसे पहले तो लाइफ एक बार मिलते है, उसको खुल के जियो। स्ट्रेस आज है, कल खुशियां है, कभी खुशी कभी गम, ये जिंदगी भर में चलते रहता है। और अगर आपको आपके बालों का ख्याल है ना तो आप अभी से ही स्ट्रेस लेना बंद कर दो। स्ट्रेस इस दुनिया में हर किसी को है, हर किसी को स्ट्रेस है, बहुत सारे अलग अलग कहानी है लोगों के मन में, पर जरूरी नहीं है कि आप उन स्ट्रेस को लेके चल पड़ो और उसकी वजह से आपकी हेल्थ भी खराब होती है, आपका मूड खराब रहता है, आपके हेयर की तो वाटी लग जाती है। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, जितना हो उतना स्ट्रेस को अवॉइड। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देती हूँ कि अभी आपको पता है कि विंटर आने वाला है, विंटर आने वाला है, इसका मतलब हमारी स्किन जो है वो ड्राई गिर जाती है, और इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या होता है, वो है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर हम विंटर में भर भर के लगाते हैं ताकि हमारी स्किन नम रहे, ड्राई ना रहे, एकदम बेबी जैसे सॉफ्ट रहे। तो उसके लिए हम कुछ मॉइस्चराइजर ऐसे हम यूज कर लेते हैं कि उससे हमारी स्किन बहुत ही ज्यादा ऑयली दिखने लगती है, कम्फर्टेबल फील बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत ही ज्यादा चिपचिपापन फेस पे लगता है, बहुत ही ज्यादा हैवीनेस हमारे स्किन के ऊपर लगने लगता है। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ तो काफी बार होता है, तो इसके लिए ना मैंने एक प्रोडक्ट चूज किया है जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। तो गाइज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ मामा अर्थ का विटामिन सी ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर विथ विटामिन सी एंड गो टू कोला। मामा अर्थ विटामिन सी ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर इज मे गो टू लाइट वेट मॉइस्चराइज विच इज इन्फ्यूज विद द गुडनेस ऑफ विटामिन सी, लिविंग माई स्किन वेल मॉइस्चराइज एंड ग्लोइंग। इट इज ऑल्सो नॉन स्टिकी एंड गिव्स मी द परफेक्ट विंटर ग्लो नेचुरली। इसको लगाने के लिए आपको स्मॉल अमाउंट में मॉइस्चराइजर हैंड पे लेना है और इसको आपके ऑल ओवर फेस पे अप्लाई कर देना है इवनली। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड एंड नॉन स्टिकी है और इसके अंदर विटामिन सी होने के कारण ये आपके स्किन को और भी अच्छे से मॉइस्चराइज और आपके स्किन को ग्लो रखता है। इसको लगाने के बाद मुझे काफी अच्छा फील होता है, मेरी स्किन बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाती है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड लगता है और चिपचिपापन बिल्कुल भी नहीं लगता, मेरी स्किन ग्लो करने लगती है, इसलिए मुझे ये मॉइस्चराइजर काफी ज्यादा पसंद है।
All Mamaearth products are free from harmful chemicals and all natural. And use my coupon code IGS2023 for 20% off on Mamaearth website and app. And Mamaearth products available on Mamaearth, Amazon, Nykaa and Purple for products for adult, and Mamaearth, Amazon and First Cry for baby products. And they are now also available in store near you. Message me or comment down below the next time you spot a Mamaearth store near you. And every time you buy from them, they will link your order on the website to a tree that they plant. By 2025, Mamaearth is aiming to plant 1 million trees as a part of this initiative. Mamaearth is plastic positive or Indian brand. And Mamaearth has launched their official app. Users get early access to sales and get extra discount. Product purchase link in the description box. देखा कितने अच्छे benefits है इसके, आप इसे जरूर try करना winter आने से पहले ही, आप इसको face पे apply करना start कर देना ताकि आपको dryness की problem बिल्कुल भी ना हो। ये इससे मेरी skin बहुत ही ज्यादा soft हो गई है, मैंने बिल्कुल भी powder वगैरह apply नहीं किया है और आप देख सकते हो skin कितनी ज्यादा smooth हो गई है, बिल्कुल भी oiliness, stickiness नहीं है, एकदम skin में अच्छे से absorb हो गया है, heaviness बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो आप भी इसे जरूर परचेस करना, मेरा कूपन कोड जरूर यूज करना। इसी के साथ इसकी प्रोडक्ट परचेस लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। फोर्थ वाला आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसी वाली बात आपको मैं बताने वाली हूँ जिससे आपको यो की व्हाइट हेयर्स की प्रॉब्लम होती है, वो है थायराइड। तो वैसे बहुत से लोग ना थायराइड से भी गुजरते हैं, तो थायराइड एक्चुअली होता है कि जिसमें आपकी बॉडी ना हल्की हल्की स्वेलिंग करने लगती है। किसी की मतलब जरूरी नहीं किसी की बॉडी पतली भी होती, किसी की बॉडी फूक भी मतलब हेल्दी भी हो जाती है, हेल्दी बोले तो मतलब फूक जाती है, जरा ऐसी हेल्दी हेल्दी दिखने लगती है, गला वेला भी ऐसा फूक जाता है। तो उसमें भी है ना ये थायराइड जो है ना वो बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है आपके हेयर कलर चेंजिंग के लिए। तो ना अगर आपको थायराइड और आपको व्हाइट हेयर्स की भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब आपको वही हो सकता है, तो आप एक बार आपके डॉक्टर को भी जरूर दिखा देना अगर आपको थायराइड है। तो फिफ्थ है विटामिन डेफिशिएंसीज, विटामिन B12। विटामिन B12 ऐसा समझ लो सारे विटामिन का एक बिग बॉस है। विटामिन B12 है ना इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके बालों के लिए, आपके हेयर के लिए। इट नॉट ओनली गिव्स यू एनर्जी बट ऑल्सो कंट्रोलिंग योर हेयर ग्रोथ एंड हेयर कलर। तो अगर आपको B12 आपके प्रोटीन में आपके आहार में B12 है तो आप उससे आहार में जरूर इंक्लूड करना, जिससे आपके हेयर को ग्रोथ मिले और आपकी हेयर व्हाइट हेयर की जो प्रॉब्लम है ना ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे अगर आप अपने आहार में, आप आपके खाने में, आप आपके डाइट में B12 का सेवन करें। हार्श हेयर प्रोडक्ट, बहुत से लोग मार्केट में जाते हैं, बहुत सारा सस्ता चीज दिख जाता है, ऐसे ही खरीद लेते हो, उसके बॉटल के पीछे क्या इंग्रेडिएंट है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट तो है या नहीं, ये सारी चीजें तो बिल्कुल भी नहीं दिखते। जैसे सस्ता दिखता है ले लेते हैं, कोई अच्छा महंगा हाँ लोग इसको यूज करे मैं भी उसे यूज कर लेती हूँ, ये बहुत से लोग करते हैं। तो ना मैं आपको इसलिए मैं ऐसे प्रोडक्ट सजेस्ट करती हूँ ना जिसमें केमिकल फ्री होता है, जो आपके बालों के लिए सुटेबल होता है। ऐसे मैं अपने वीडियोस में आपको मेरे हेयर ऑयल एंड शैम्पू जो है वो शेयर करते रहती हूँ, कुछ पेड रहते हैं कुछ अनपेड रहते हैं, तो मैं उनको भी यूज करती हूँ। ऑब्वियसली बात है मैं उनको भी यूज ही करूंगी क्योंकि मैं हर एक चीज को ट्राई करती हूँ, देन मैं उसका ओपिनियन आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये हेयर ऑयल कैसा है, ये हेयर मास्क कैसा है, या फिर ये हेयर कंडीशनर कैसा है, शैम्पू कैसा है, ये सारी चीजें मैं इसलिए आपके साथ शेयर करते रहती हूँ। तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है अरे ये तो प्रमोशन कर रही है, हाँ कभी कभी प्रमोशन होता है पर वो प्रमोशन में भी मेरा रियलिटी ही रहता है कि मैं प्रोडक्ट के बारे में क्या सोच रही हूँ और आपको क्या बता रही हूँ। और मैं ऐसे प्रोडक्ट के साथ डील करती नहीं हूँ जो मुझे पसंद ही नहीं है, मतलब जो केमिकल बेस्ड रहते हैं ज्यादातर जो हम हमारे स्किन हेयर पे लगाते हैं, तो मैं ऐसे प्रोडक्ट को अवॉइड ही करती हूँ। मैं इन्हीं सारे प्रोडक्ट के साथ डील करती हूँ जो मेरे हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो मैं आपको सजेस्ट कर पाऊँ, ऐसे ही केमिकल फ्री बेस्ड प्रोडक्ट को मैं यूज करती हूँ और आपको भी रिकमेंड करती हूँ। तो प्लीज जब भी आप कभी भी मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हो बालों के लिए, शैम्पू कंडीशनर जो भी आपके मनपसंद भी खरीदते हो, तो उसके पीछे देखा करो, उसके इंग्रेडिएंट देखा करो कि इसमें केमिकल्स नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट को ज्यादा ज्यादा दिन टिकाने के लिए उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स भी ऐड करते हैं, फ्रेग्रेंस के लिए फ्रेग्रेंस ऐड कर देते हैं बहुत सारा, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे ही प्रोडक्ट यूज करो जो केमिकल बेस्ड ना हो, एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट हो उसके अंदर और वो आपके बालों के लिए सुटेबल भी हो। सेवन है गेट योर एसेंशियल मिनरल्स। आपको आपके आहार में जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम एंड कॉपर एंड ऑल्सो सुपर इम्पोर्टेंट फॉर योर हेल्थ, कॉपर एस्पेशली इज ऑफ्टन ओवरलुक्ड एंड रिसर्च हैज फाउंड दैट लो लेवल्स ऑफ कॉपर कैन लीड द ग्रे हेयर।
तो इसके लिए आपको इन सारे आहार को आपके खाने में खाना है। इससे आपके हेयर को, ग्रे जो हेयर है उनको कम होने में, खत्म होने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। एक है बी नाइस टू योर हेयर। देखो बहुत सारे लोगों को ना अपने बालों को रोजाना हेयर वॉश करने की आदत होती है, खास करके लड़के तो रोजाना हेयर वॉश करते, पर लड़कियों की जिनके बाल बहुत ज्यादा लंबे रहते वो भी अपने बालों को रोजाना हेयर वॉश करना प्रीफर करते, जो कि बहुत गलत बात है। रोजाना हेयर वॉश करने से आपके बालों की क्वालिटी खराब हो जाती है, आपकी नेचुरल ऑयल जो आपके बालों को प्रोवाइड करता है वो भी खत्म हो जाता है, और इसी के साथ आप जो रोजाना प्रोडक्ट यूज करते हो आपके बालों के लिए, शैम्पू, हार्श केमिकल्स जो होते हैं उसके वजह से तो और ही आपके बालों की बैंड बच जाती है। इसलिए आप आपके बालों के साथ अच्छे से रहिए, अच्छे से पेश आइए, अच्छे से उनका ख्याल रखिए, कैसे भी खुले ना रखिए, रोजाना हेयर को अच्छे से कॉम किया करिए। अगर आपको रोजाना हेयर वॉश करने की आदत है और आपको हेयर व्हाइट हेयर की भी प्रॉब्लम है तो प्लीज इस हेयर वॉश को स्टॉप कर दो। वीक में 3 बार 2 बार अगर आप हेयर को वॉश कर रहे हैं वो भी इनफ है। 9, स्टॉप स्मोकिंग एंड प्लीज स्ट्रेस को लिमिट में कर दो। आपको स्मोकिंग की आदत है तो प्लीज आप बंद कर दो, और अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो तो उसको भी आप जितना हो सके उतना कम कर दो। इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपके बाल भी अच्छे रहेंगे, और इसके साथ आपकी स्किन भी बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, और इससे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका मूड भी बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। थे चलो आपको बता देती हूँ कि आप कौन सा ऐसा होम रेमेडीज या ऑयल यूज कर सकते हो जिससे आपके ग्रे हेयर व्हाइट हेयर जो है ना वो खत्म हो जाए। सबसे पहले है करी लीव्स। आपको करी लीव्स का ऑयल आप यूज कर सकते हो, हेयर मास्क यूज करते हो आपके बालों के लिए, जिससे आपके ग्रे हेयर जो है वो खत्म हो जाए। इसके साथ आप भृंगराज का ऑयल यूज कर सकते हो, ये आपके हेयर की हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, और ये अपने इंडिया में भी बहुत ज्यादा फेमस है, और इसलिए आप अगर भृंगराज का ऑयल यूज करते हो तो आपके ग्रे हेयर की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सी चीजों की वजह से व्हाइट हेयर की प्रॉब्लम हो रही थी, और कौन सी चीजें आपको भी नहीं करनी है, और कौन सी चीजें करने से आपके व्हाइट हेयर्स को आपको दूर करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। तो गाइस अगर आप इनमें से ये सारे टिप्स फॉलो कर दे तो आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी, आप खुद मेरे कमेंट में आके मुझे थैंक यू बोलेंगे। तो गाइस थैंक्स मिल लेटर बाय द वे, पर मुझे ना पहले सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हमें बहुत जल्द 4 लाख की फैमिली कंप्लीट करनी है। तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके यूट्यूब पेज पे आए। और इसी के साथ कमेंट करना है ढेर सारे कि किन किन को व्हाइट हेयर्स की प्रॉब्लम है और किन किन को नहीं, तो मुझे जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना क्योंकि मैं सबके कमेंट्स रीड करती हूँ। तो गाइस मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।